Sarah, please. Yeah, you're evil. I didn't know it's a paper. Yeah. जिस इंसान से शादी करोगे वो दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। ये इस नए सफर की शुरुआत के लिए। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी तंग नहीं करूंगा और बहुत ही जल्दी तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अपना लूंगा।
खुदा हाफिज। तुम्हारे लिए एक एक छोटा सा तोहफा, लेहान हमारा साथ जिंदगी भर है। यह आपकी हिफाजत करेगा, आपको कामयाबी देगा और आपको हर खतरे से बचाएगा। शहर को कुछ नहीं होगा, बहुत ही जल्द से ले जाऊंगा। जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते। नवाब साहब को मारने बाहर से कोई नहीं आया था, बल्कि घर के ही इंसान ने उनकी जान ली थी। मेरी कसम, प्लीज तुम अभी चली जाओ। प्लीज सर, माफ कर देना मुझे आज के लिए। मैं जानता हूं कि रेहान हम सबके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन अम्मी की इस हालत देखकर तो इसलिए मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। जानती हो सर, परछाई की तरह था, भाई से ज्यादा प्यार करता था, उससे ज्यादा मेरी केयर करता था, और मैंने उस पर कभी शक किया, कभी दिल दुखाया उसका, तो उसे घर से जाने के लिए कहा सनम। कोई भी रिश्ता मैंने उसके साथ ठीक से नहीं निभाया, और मेरी जान बचाने के लिए उसने रिश्ता उसके साथ ठीक से नहीं निभा। रेहान नहीं था, माफ करना, पानी कुछ ज्यादा गर्म है क्या? हया हया हया, तुम खेल खेल रही हो, वो भी मेरे साथ। तुम्हें लगता है कि मैं समझ नहीं पाऊंगा? हया, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि तुम मुझे बेवकूफ समझो? रहने दो, ये प्यार मोहब्बत का दिखावा, रहने दो। जो हुआ सो हुआ, चलो अब एक नई कहानी शुरू करते हैं। माफ करना फैज, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूं उसके पीछे मेरा कोई मंसूबा नहीं है।
तुम्हारी बहन शहर उसका प्यार नहीं रहा, और इस बात को सिर्फ मैं ही साबित कर सकता हूं कि आखिर उसकी जान किसने ली है। तुम सोच रही होगी ना मैं कितना बड़ा कमीना इंसान हूं। हया, जैसे कि तुम जानती हो कि कमीना इंसान बिना फायदे के कोई काम नहीं करता, तो हया मेरी भी एक छोटी सी शर्त। सुनहरी इतनी रात में कहाँ जा रही है? सहर, सहर कहाँ चली? सहर, जानते हो ये स्टार था भी। ये कहते थे ना कि जब कोई इंसान हमेशा के लिए दूर चला जा तो तारा बन जाता। और फिर दिन रात वहां से हमें देखता, हमें देख के मुस्कुराता है। जानती हूँ भी देख रहे हैं मुझे, और मुस्कुरा भी रहे। मेरे अम्मी अब्बू से भी मिले होंगे ना। अब तक तो अपनी अपनी मीठी मीठी बातों से आपने उनका दिल भी जीत लिया होगा। बातों से तो जादू करना आता था आपको, फिर भी तो किया। बातों से दिल जीतना तो कोई आपसे सीखे। पर गलती कर दी आपने यार। क्यों चले गए? हमने तो वादा किया था मिलके रहेंगे एक घर में एक साथ। क्यों तोड़ा अपना वादा? आपने अपना वादा तोड़ दिया तो क्या हुआ? शहर कभी अपना वादा नहीं तोड़ती। मैं अपना वो हर सपना पूरा करूंगी जो हम दोनों ने मिलके देखा था। हमारा अपना ही घर होगा और पंच होंगे ना सनम और आहिल के बच्चे, तो वो अपने अम्मी अब्बू के पास कम और अपनी मासी के पास ज्यादा रहेंगे। और उन्हें मैं अपनी कहानियां सुनाऊंगी, आपकी और मेरी कहानियां, अपनी मोहब्बत की कहानी। प्यार में आपसे वादा करती हूँ, आपको जैसी शहर चाहिए थी मैं वैसी शहर बन के रहूंगी, बिल्कुल वैसी। मैं साफ सफाई का ध्यान रखूंगी, खाना बनाना सीखूंगी, और चोरी करना तो मैंने कब का छोड़ दिया। लेकिन सनम,
अगर कभी सेवैयां बनाएगी तो फ्रिज में से उसे चोरी करके खाना चोरी नहीं होती है। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, मन होता है कहीं दूर चली जाऊं इस सबसे दूर। लेकिन नहीं, जब तक मैं उस इंसान से बदला नहीं ले लूंगी जिसने आपको मुझसे अलग किया, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उससे बदला नहीं लेती। मुझसे मेरा प्यार छीना है, उससे बदला लिए बिना ना आपको चैन मिलेगा ना मुझे। जरूर बदला लूंगी रे। खबरदार जो हमारे बेटे की कब्र की मिट्टी को खराब करने की कोशिश की। खबरदार जो हमारे बेटे की कब्र की मिट्टी को खराब करने की कोशिश की। हाथ मत लगाना मेरे बेटे की कब्र को, मैं मनमुंह समझ हमारी बेटी की कब्र से दूर रखना। तुम कौन हो मुझे रोकने वाली? उसकी माँ, एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी सारी दुनिया लुटा सकती है, और तुमने अपने मतलब के लिए अपनी बेटी की खुशियां तो क्या उसकी जिंदगी तक छीन ली। तुम्हारी वजह से जान गई है हमारे बेटे की, और अल्लाह कसम हम तुम्हें और तुम्हारी उस बहन को छोड़ेंगे। कुछ तो खौफ खाओ, अपने बेटे की कब्र पे खड़ी होकर झूठ बोल रही हो। बेटा जो सारी जिंदगी तुम्हारे प्यार के लिए तरसता रहा, वो सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम सबके सामने उसे बेटा कहके सीने से लगाओ, जो कि तुम कभी नहीं कर पाई। दौलत के नशे में तुम इतनी अंधी हो गई कि बेटे की मोहब्बत भूल गई। तुमने कभी पूरी दुनिया के सामने उसे अपना बेटा नहीं कहा। वो एक ईमानदारी की जिंदगी चाहते थे, सच्चाई की जिंदगी चाहते थे, जो तुम नहीं दे पाई। इसी चीज के लिए वो तड़प तड़प के मर गए। लेकिन कोई बात नहीं, उनका ये अधूरा ख्वाब मैं पूरा करूंगी। तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा, और राहिल को पता चलेगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। रेहान की मौत का बदला लेने का वक्त आ गया है।